वाल ओपन रहना चाहिए जिससे ये मोटर पे जो है पानी रेगुलर मिलना चाहिए। ये मोटर जो है पानी इनलेट के द्वारा ये सैंड फिल्टर में फिल्ट्रेशन स्टार्ट करता है। जो दोनों सैंड है उसके बीच में जो गैप है वहाँ पे मिट्टी पत्ते और अलगे वगैरह बैठता है और पानी फिल्टर होके जिगजैग मूवमेंट में स्ट्रेनर से और पास होके और नेक्स्ट फिल्ट्रेशन में आता है। और इसमें आके कार्बन फिल्टर रहता है, एडसॉर्प्शन प्रोसेस चलता है जिसमें कार्बन के ऊपर में जो आयरन है या मिट्टी है, जो कलर पार्टिकल है, वोलेटाइल सब्सटेंस है, वो सब उस पर एड्सॉर्ब होता है और वाटर को क्रिस्टल क्लीन करके और फिर स्पेनर पाइप में से आयरन रिमूवर पे आता है। तो टोटल यहाँ पे सैंड फिल्टर है और कार्बन फिल्टर है और आयरन फिल्टर है जिसमें आयरन रिमूव हो रहा है आफ्टर कार्बोनाइजेशन। और ये सब फिल्टर मोड में आने से क्या है कि सभी पानी जो है सीरीज में निकल के इधर पास होगा। और ये क्लास फिल्टरी है जिसमें पॉलीफॉस्फेट क्रिस्टल्स है, मेडिक निकाली है, जो क्या करता है, ये आयरन कंटेंट जो भी मेम्ब्रेन में फंसना चाहता है वो फंसता नहीं और वो क्लियर होता है, जिससे क्या है मेम्ब्रेन की लाइफ बढ़ती है। और ये 5 माइक्रोन के दो जंबो फिल्टर्स है ब्लू कलर के, इसके अंदर 4 डाय का जंबो फिल्टर कैटरीज है और वो NSF अप्रूव्ड है और 5 माइक्रॉन साइज है, मेड इन यूएस ग्रेस कंपनी का है। और ये जो है हाई प्रेशर पंप है CRI का, इसके लिए एक हाई प्रेशर स्विच भी दिया गया है, अगर प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो बंद कर देता है और ये मेम्ब्रेन हाउसिंग है जिसके अंदर मेम्ब्रेन है और यहाँ से क्या है मिडल से जो मिनरल वाटर आता है और साइड से जो है रॉ वाटर आता है। और ये है हमारा कंट्रोल पैनल, ये कंट्रोल पैनल है इसके अंदर सेटिंग्स है, ऑटो मोड है, मैनुअल मोड है। इसको हम इस बटन से ऑटो में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं तो मैनुअल मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम ये ऑटो मैनुअल मोड में लाएंगे तो सबसे पहले रॉ वाटर पंप ऑन करेंगे, फिर बाद में वो रॉ वाटर पंप चालू होगा और वहाँ से सभी फिल्टर मोड में रहना है। ये सभी फिल्टर मोड में रहने के बाद फिर पानी यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे वाटर जाते हुए दिखेगा। तब थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी जाने के बाद हमें क्या करना है, हाई प्रेशर पंप को ऑन करना है ताकि ये बड़ा वाला पंप चालू हो जाएगा। जैसे कि दिखाई देता हूँ, ये बटन हम दबाए ऑटो मोड में है, हम बटन दबाए तो मैनुअल मोड में आ गया। अभी रॉ वाटर पंप को हमने ऑफ किया, ये रॉ वाटर पंप जो है वो पंप ऑन हुआ है, ऑफ हो गया, पंप ऑन हो गया, यहाँ पे पानी जा रहा है। ये जब ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ेगा ये जा रहा है पानी, तभी हमको यहाँ पे हाई प्रेशर स्विच ऑन करना है। अभी क्वांटिटी कम है, यहाँ साइड से देखो बढ़ रहा है क्वांटिटी, तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ हाई प्रेशर पंप में ऑन करना है। अभी हाई प्रेशर पंप ऑन करना है जिससे क्या है प्रेशर बढ़ेगा। अभी यहाँ पे प्रेशर, जैसे हम वाल क्लोज करेंगे, ये वाला वाल जैसे हम क्लोज करेंगे तो यहाँ पे 10 केजी के अंदर ही रखना है, जिससे क्या है प्रोडक्ट वाटर स्टार्ट हो जाएगा। ओजोनेटर है, जिसका ओजोनाइजेशन होता है।